नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र। शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र से। अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र अथवा इनको कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या है? मानव अपने जीविकोपार्जन एवं आर्थिक लाभ के लिए जिन क्रियाओं को करता है उन क्रियाओं को कहा जाएगा आर्थिक क्रियाएं, अथवा इसको कह सकते हो आप मानव के व्यवसाय। आर्थिक क्रिया अथवा मानव के व्यवसाय, मानव के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतया तीन भागों में बांट सकते हैं, पांच भाग में भी बांटा जा सकता है, लेकिन मुख्य भाग है जो आपको अध्ययन करना कोर्स के अंतर्गत है तीन भाग ही है। तो तीन भागों का मुख्यतः आपको अध्ययन करना है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं एवं तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं की बात की जाए तो ये वे क्रियाएं जो मानव अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। मानव की प्राथमिक आवश्यकता कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। साधारण शब्दों में हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। तो ये भोजन, वस्त्र और मकान, इन तीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य जिन क्रियाओं को करता है वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। अब प्रमुख प्राथमिक क्रियाएं हैं वो निम्नांकित हैं, कौन कौन सी? पहली है भोजन एवं वन सामग्री का एकत्रीकरण। मानव भोजन के लिए, आदि मानव था वो भोजन के लिए किस पर आश्रित था? वन पर आश्रित था। वन और वन से जो प्राप्त होने वाले सामग्री, फल, फूल, कंदमूल, उन पर आश्रित था। तो मानव अपने भोजन के लिए वनों पर आश्रित हैं, तो ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। वर्तमान में भी कई क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। प्राथमिक कार्य भोजन एवं वन सामग्री का एकत्रीकरण, चाहे वो कांगो बेसिन हो, गिनी तट हो अफ्रीका का, अमेजन बेसिन हो दक्षिण अमेरिका का, चाहे मलेशिया अथवा दक्षिण पूर्व एशिया और भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो, जहाँ पर आज भी व्यक्ति भोजन के लिए वन सामग्री पर आश्रित है। कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन हैं, वो भी मुख्यतया इसी प्रकार के कार्य करते हैं, भोजन एवं वन सामग्री का एकत्रीकरण का कार्य करते हैं। दूसरी प्राथमिक क्रिया है आखेट करना। आखेट का मतलब है शिकार करना, क्योंकि मानव वन और वन सामग्री पर आश्रित नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में मानव अपनी भूख को शांत करने के लिए शिकार का कार्य भी करता है, क्योंकि मानव खाली पेट कुछ कार्य नहीं कर सकता, चाहे वो भ्रमण का कार्य हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना हो उसको। तो ऐसी स्थिति में वो भोजन के लिए वन्य जीवों पर भी आश्रित होता है, वो उनका शिकार करता है। तो ये आखेट का कार्य भी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तीसरी चीज है लकड़ी काटना। अब मानव जो आखेट प्राप्त करता है या जो वन्य उत्पाद प्राप्त करता है, तो कुछ उत्पादों को वो पकाकर भी खाता है, तो आखेट को भी पकाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होगी, तो वो लकड़ी काटना प्रारंभ करता है जंगलों से। तो जंगलों से लकड़ी काटकर उसको जलाने के लिए उपयोग में लाए, अथवा अपनी झोपड़ी बनाने के लिए, क्योंकि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत लकड़ी काटता है कार्य करता है, लकड़ी काटने का कार्य वो झोपड़ी बनाने के लिए कार्य, मकान बनाने के लिए कार्य में लेता है वो उपयोग में। तो ऐसी स्थिति में मानव लकड़ी काटने का कार्य करता है, तो ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पशुचारण अगली आर्थिक क्रिया है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, पशुचारण। अब मानव अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए अथवा अपने अन्य कार्यों के लिए, चाहे वो आवागमन के रूप में उपयोग करें पशुओं का,
तो ये पशुओं का उपयोग करता है और मुख्यतः अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए ही करता है इन पशुओं का उपयोग। तो ये पशुओं को भी खाने के लिए चारे की आवश्यकता होगी। तो ये पशुचारण का कार्य करता है मनुष्य, ये भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसके ऊपर चाहे बैठ के जाए अथवा कुछ वन्य सामग्री चाहे लकड़ी है उसको ढो के लाना है तो वो पशुओं के ऊपर ढो के ला सकता है, उस पर लाद कर ला सकता है। तो ये पशुचारण का कार्य प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला है मछली पकड़ना। अब उसको आखेट का कार्य, शिकार करता है वन्य जीवों का, तो कभी कभी नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आसपास जलीय क्षेत्र होगा, तो जलीय क्षेत्र में चाहे तालाब है, नदी है, झील है, तो वहाँ से मछली को पकड़ना भी प्रारंभ कर देता है मानव, क्योंकि प्राथमिक आवश्यकता उसकी भोजन की। तो ऐसी स्थिति में वो मछली पकड़ना भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित है। अगली है प्राथमिक आर्थिक क्रिया प्राचीन निर्वाहक कृषि। तो मानव क्या करता है, धीरे धीरे आसपास में कृषि कार्य भी करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन वो कृषि कार्य है वो अपने भरण पोषण के लिए करता है, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है। जैसे स्थानांतरणशील कृषि है, झूमिंग कृषि असम के अंदर, भारत के अंदर असम में झूमिंग कृषि की जाती है जो स्थानांतरणशील कृषि, तो इस प्रकार की प्राचीन निर्वाहक कृषि की जाती है जो मुख्यतः या तो स्वयं मानव करता है अथवा पशुओं के माध्यम से वो कृषि करता है। तो ये प्राचीन निर्वाहक कृषि का को हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार ये मुख्यतः ये प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। दूसरी अपनी आर्थिक क्रिया आ जाती है द्वितीयक आर्थिक क्रिया, जिसको गौण आर्थिक क्रियाएं भी कहा जाता है। तो आपके सामने है ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया। अब ये प्राथमिक आर्थिक क्रिया से भिन्न है, अलग है। किस रूप में अलग है, क्योंकि द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादों से प्राप्त कच्चे माल के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है, उसको परिवर्तित करके, कच्चे माल के स्वरूप को परिवर्तित करके अधिक उपयोगी और उपभोग योग्य बनाया जाता है। उसको क्या किया जाएगा, द्वितीयक अथवा गौण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत मानव क्या करेगा, प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल के स्वरूप में परिवर्तन करेगा, उसका स्वरूप है वो बदल जाएगा, इससे क्या होगा, अधिक उपयोगी हो जाएगा वो वस्तु और मानव की उपभोग के योग्य हो जाएगा, जिससे उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है, उस नई वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं विनिर्माण उद्योगों को जन्म देती हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं। ये विकसित उद्योग हैं जिसमें मानव अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ समाज को भी योगदान देता है। प्राथमिक क्रिया में केवल परिवार के भरण पोषण के लिए कार्य किया जाता था, लेकिन यहाँ पे विनिर्माण उद्योगों के माध्यम से नई वस्तुओं का निर्माण होगा तो जो क्या किया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा, तो समाज के उपयोग में भी आए ये चीज़ें आएगी। मुख्य द्वितीयक अथवा गौण आर्थिक क्रियाएँ निम्नांकित हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला है विकसित अथवा आधुनिक कृषि। अब यहाँ पर द्वितीयक आर्थिक क्रिया में विकसित कृषि की जाती है, अथवा इसको कह सकते हो आप आधुनिक प्रकार की कृषि की जाती है, क्योंकि इसमें आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाता है, कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है, सिंचाई के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह ये आधुनिक कृषि हुई और व्यापारिक स्तर पर उसका उत्पादन किया जाता है, केवल परिवार के भरण पोषण के लिए नहीं की जाती ये कृषि की जाएगी, व्यापारिक स्तर पर उसके कृषि को बेच दिया जाएगा, उसका उत्पादन ज़्यादा होता है उसको बेच दिया जाता है, तो इसलिए ये व्यापारिक कार्य किया जाता है, इसमें व्यापारिक कृषि की जाती है जो आधुनिक कृषि कहलाती है, तो इसमें आधुनिक कृषि की जाती है। दूसरा है द्वितीयक गौण अथवा गौण क्रियाओं में पशुपालन एवं डेयरी फार्मिंग। अब वहाँ पे पशुचारण किया जाता था प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, यहाँ पर पशुपालन किया जा रहा है, क्योंकि पशुओं से दूध प्राप्त होता है और दूध को बेच दिया जाता है, दूध
डेयरी में बेच दिया जाता है, तो डेयरी से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उत्पादन हो, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उत्पादन होता है, तो ये डेयरी फार्मिंग कहलाएगी, पशुपालन और डेयरी फार्मिंग। तो दूध और दूध से बने उत्पादों को बनाया जाएगा, उनका निर्माण किया जाएगा और उनको बेचा जाएगा। तो यहाँ पे पशुपालन किया जाएगा और डेयरी फार्मिंग की जाएगी द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। अगला है खनिजों का खनन, और द्वितीयक आर्थिक क्रिया में खनिजों का खनन किया जाता है, क्योंकि आप चाहे एक सुई से लगा करके हवाई जहाज तक का निर्माण खनिजों पर निर्भर है, क्योंकि सुई का निर्माण करना आपको तो भी खनिज का खनन करना पड़ेगा, और विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग कर रहे हो आप परिवहन के साधनों का, तो भी खनिज का उपयोग करना आवश्यक है। घर का निर्माण करना है तो भी खनिजों का उपयोग करना। तो इस तरह एक छोटी सुई से लगा करके हवाई जहाज तक का निर्माण बिना खनिज के संभव नहीं है, तो खनिजों का खनन किया जाएगा और व्यापारिक स्तर पर खनन किया जाएगा, समाज के उपयोग में आ सके इस दृष्टि से खनिजों का खनन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में मशीनों का निर्माण जो किया जाता है वो खनिजों पर आधारित है, क्योंकि जो मशीनें बनी हुई है वो स्वयं खनिज किसी न किसी खनिज से बनी हुई है, चाहे लोहा एस्क से हो, तांबे से हो या अन्य खनिजों से। तो ये खनिजों का खनन भी यहाँ पर किया जाएगा द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। अगला है मुख्य है विनिर्माण उद्योग। अब यहाँ पे निर्माण उद्योग है, जो विनिर्माण उद्योग है, विनिर्माण का मतलब पहले था हाथ से बने वस्तुओं का उत्पादन, लेकिन धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया और मशीनों से भी उत्पाद तैयार किए जाने लगे, तो इसलिए विनिर्माण एक व्यापक शब्द है। अब विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और वृहद उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इन उद्योगों के माध्यम से कच्चा माल प्राथमिक क्रिया से प्राप्त किया जाता है और इन उद्योगों में ला करके उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। स्वरूप में परिवर्तन होने के पश्चात उसको बाजार में बेच दिया जाता है, तो इससे क्या होगा, कच्चा माल उनको सस्ता मिल गया, मशीनों के माध्यम से उसके स्वरूप में परिवर्तन किया, तो ये माल उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी, इस कच्चे माल की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और इसकी अधिक उपयोगिता होगी, साथ में ही यह उपभोग के योग्य बन गया, मानव अपने उपयोग में आसानी से ला सकता है, तो इससे क्या हुआ, इसके मूल्य में भी वृद्धि होगी, क्योंकि कच्चे माल को उद्योग तक लाना, फिर मशीनों के माध्यम से इसके स्वरूप में परिवर्तन करना और फिर उसको बाजार तक पहुँचाना, तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो निश्चित रूप से वह वस्तु कच्ची वस्तु से ज़्यादा महंगी मिलेगी, क्योंकि कच्चा माल है वो सस्ता मिला है, लेकिन उसके स्वरूप में परिवर्तन करके उसको उपयोगी बनाया गया, तो उसके निश्चित रूप से उसके जो उत्पाद है उसमें मूल्य में वृद्धि होगी। तो इस तरह विनिर्माण उद्योगों को, चाहे लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग अथवा वृहद उद्योग हो, वो विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये मुख्य द्वितीयक अथवा गौण आर्थिक क्रियाएँ थी। आगे हम देखेंगे तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, जो तीसरे प्रकार की टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनको कहा जाएगा। ये आर्थिक क्रियाएं उच्च श्रेणी की, जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा और व्यापारियों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये उपभोक्ताओं तक अथवा व्यापारियों तक पहुंचाने का माध्यम है। तो ये माध्यम कौन कौन से हैं? तो ये तृतीय आर्थिक क्रियाएं निम्नांकित हैं, कौन सी, पहली है परिवहन। अब परिवहन के साधन का प्रयोग किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, क्योंकि कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाना है तो मानव स्वयं तो लाएगा नहीं, स्वयं भी लाएगा तो उसको समय ज़्यादा लगेगा और कम मात्रा में वो उत्पाद विनिर्माण उद्योगों तक पहुँचेगा। विनिर्माण उद्योग का मतलब फैक्ट्रियों तक, कारखानों तक। तो ऐसी स्थिति में
हमें परिवहन के साधनों का प्रयोग करना आवश्यक है, क्योंकि परिवहन के साधनों के प्रयोग से आप कम समय में अधिक कच्चा माल उद्योगों तक पहुंचा सकते हैं। तो पहला काम है परिवहन का कि कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाना, और फिर कारखानों से जो उत्पादित वस्तुएं उसको वापस बाजार तक पहुंचाना, व्यापारियों तक पहुंचाना अथवा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य भी परिवहन के माध्यम से किया जाए, चाहे वो स्थल परिवहन हो, जल परिवहन हो अथवा वायु परिवहन। तो इन परिवहन के साधनों का भी प्रयोग करना है। तो ये तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तृतीय आर्थिक क्रिया। स्थल परिवहन, वायु, जल, ये सब परिवहन के साधन हैं, किसी भी माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। दूसरा है संचार। अब संचार के साधनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि परिवहन का साधन तो काम करेगा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का, लेकिन संचार का माध्यम है वो आप कम समय में अपने संदेश को दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। पहले संचार के माध्यम अलग अलग थे, चाहे डाक का माध्यम हो, पोस्ट ऑफिस, तार हो, धीरे धीरे टेलीफोन का उपयोग होने लगा, वर्तमान में मोबाइल का उपयोग हो रहा है संचार के माध्यम के रूप में। धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस का महत्व कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वर्तमान समय इंटरनेट का समय है। इंटरनेट के ज़माने में आप एक पत्र को, लेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो आपको डाक में जाकर के डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक मेल कीजिए, ईमेल। तो ईमेल के माध्यम से आप तुरंत उस लेटर को दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। तो ये धीरे धीरे संचार के माध्यम में परिवर्तन आता गया। तो यह संचार के माध्यमों का उपयोग होता है तृतीय आर्थिक क्रियाओं, क्योंकि अगर उपभोक्ता को अथवा व्यापारी को किसी वस्तु को मंगवाना है कारखाने से तो वो इन संचार के माध्यमों का प्रयोग करते हुए मंगवा सकता है, अथवा कारखाने जो उद्योग है उसके मालिक को कच्चा माल मंगवाना है किसी क्षेत्र से तो ये संचार के साधन का प्रयोग करते हुए मंगवा सकता है। तो इस तरह यहाँ पे संचार के साधनों का भी प्रयोग। तृतीय आर्थिक क्रियाओं में तीसरी है व्यापार। अब क्या करता है, माना उसने विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार कर लिए विनिर्माण उद्योगों के माध्यम से, कारखानों के माध्यम से। अब इन उत्पादों को क्या करेगा, बेचेगा, या तो किसी वस्तु का आयात करेगा या निर्यात करेगा। तो आयात निर्यात की क्रिया कहलाएगी व्यापार। अब भारत है, कुछ चीज़ों का निर्यात करता है दूसरे देशों में और कुछ वस्तुएं भारत मंगवाता है। जैसे भारत चाय का निर्माण अधिक मात्रा में करता है तो ऐसी स्थिति में वह चाय का निर्यात दूसरे देशों को करता है, जबकि भारत में पेट्रोलियम कम मात्रा में तो ऐसी स्थिति में वो पेट्रोलियम पदार्थ बाहर से मंगवाता है, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, इन चीज़ों को बाहर से मंगवाता है। तो इस तरह ये व्यापार हुआ। तो व्यापार का कार्य भी तृतीय आर्थिक क्रिया में सम्मिलित है। और चौथा है सेवाएं। अब इससे संबंधित कुछ सेवाएं जैसे बैंकिंग की सेवा, बीमा की सेवा, ये कुछ सेवाएं जो तृतीय आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित है। तो इस तरह देखा जाए तो ये तीन मुख्य आर्थिक क्रिया, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय। इसके अलावा दो अन्य आर्थिक क्रियाएं भी जो आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको रखनी है। चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं भी हैं जिसके अंतर्गत चिकित्सा है, प्रशासन है, अनुसंधान है, उनको सम्मिलित किया जाता है। पंचमक आर्थिक क्रिया हैं जिसके अंतर्गत कानूनी परामर्श हैं, तकनीकी विकास हैं, वैज्ञानिक शोध हैं, प्रबंधन है आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो इसको भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कोर्स में आपके तीन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन ही आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, इसलिए इन तीन आर्थिक क्रियाओं को आसानी से आप समझ सकते हैं। धन्यवाद और पढ़ते रहिए।